गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा है, पिछली क्लासेस में हमने देखा था फंक्शन ओवरलोडिंग देखा था, ठीक है। आज अपन देखते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या देखते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग। तो देखिए, फंक्शन ओवरराइडिंग होती क्या अपन समझते हैं कि जब मेथड, यानी जब हम किसी मेथड को डिफाइन करें और सेम उसका प्रोटोटाइप दूसरी क्लास के अंदर हो और सिर्फ फंक्शनैलिटी में अगर चेंजेस हो, तो वो हमारा कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। क्या कहलाता है? मेथड हो, यानी आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो आपका एक जैसा है उसके अंदर। यानी आपने जैसे कोई फंक्शन डिक्लेयर किया, सपोज सब, और आपने नाम दिया इसका मान लो सम, और इसके अंदर अगर आपने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, तो दूसरी वाली क्लास में भी आपका यही सिग्नेचर रहेगा। सिग्नेचर आपका सेम रहेगा ड्राइव क्लास में। जो भी चेंजेस करेंगे वो आप कहाँ चेंज करेंगे? उसकी फंक्शनैलिटी के अंदर, एंड सब, यानी इसके अंदर आप चेंज करेंगे। ये हमारा कहलाता है फंक्शन ओवर राइडिंग। क्या कहलाता है? फंक्शन ओवर राइडिंग। जब हम किसी मेथड्स का प्रोटोटाइप सेम रखते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी में चेंजेस करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। अब देखिए, फंक्शन ओवरराइडिंग के लिए हम दो कीवर्ड यूज़ करते हैं। जिस फंक्शन को मेथड का ओवरलोड करना होता है, ओवरराइडेबल कीवर्ड, और जब ड्राइव क्लास में यूज़ करते हैं, तो हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा कीवर्ड करते हैं? ओवरराइड्स कीवर्ड। अब देखिए, एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि इसको कैसे। अपन डॉट नेट पर चलते हैं और डॉट नेट में यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लास। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम जैसे हमने दे दिया मान लो बी क्लास। क्या नाम दे दिया हमने? बी क्लास। बी क्लास सपोज दैट अपन ने नाम इसका दे दिया बेस क्लास। क्या नाम दे दिया इसका? बेस क्लास। क्लियर। उसके बाद इसके अंदर एक मेथड बनाया हमने पब्लिक मेथड। हम जिस मेथड को ओवरराइड करते हैं, तो एक कीवर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, ओवरराइडेबल कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? इस मेथड। और अपन ने दे दिया है सब गेट इन्फो। मेथड का नाम क्या दे दिया? गेट इन्फो। क्लियर। उसके बाद इस मेथड की हमने जो भी हमें डेफिनेशन देनी है, वो डेफिनेशन हमने दे दी यहाँ पे, दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या दे दिया अपन? कंसोल डॉट राइट लाइन। और इसके अंदर में एक मैसेज दे दिया हमने, दे दिया मान लो सी प्लस प्लस बीबी डॉट नेट प्रोग्राम। यार हमने दे दिया दिस इज क्लास, क्लास बेस। कौन सी क्लास है? बेस क्लास। अब यही वाले मेथड को हम ड्राइव क्लास के अंदर इसकी ओवरराइडिंग करें, तो हमने यहाँ पे गए पब्लिक क्लास, क्लास का नाम जैसे हमने दे दिया डी क्लास। क्या नाम दे दिया? डी क्लास। कौन सा नाम? डी। अब इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? हमने बार इनहेरिट क्लास का नाम क्या दिया? बी क्लास। इसको यहाँ से इनहेरिट कर लो। अब ऊपर वाले मेथड, सेम मेथड को अगर हमें यूज़ करना है, तो हम पब्लिक, और हम यहाँ पे जो कीवर्ड यूज़ करेंगे, अब यूज़ करेंगे ओवरराइड्स। कौन सा कीवर्ड? ओवरराइड्स। ओवरराइड्स जैसे ही किया, तो ऊपर वाले के सारे मेथड्स आ गए। तो कौन से वाले? गेट वाले। ये गेट वाले को हमने यहाँ से लिख के एंटर, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया माई बेस डॉट गेट इन्फो। तो जैसे माई बेस जब लगा है, तो ये ऊपर वाले मेथड को कॉल करेगा। किसको मेथड को कॉल करेगा? इस वाली मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि माई बेस हमेशा अपनी बेस क्लास को कॉल करता है। ये कीवर्ड हमको पिछले क्लासेस में आपको बताया। और यहाँ पर हमने दे दिया नया डेफिनेशन, कंसोल डॉट राइट। और यहाँ पर हमने दे दिया दिस इज क्लास। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, इसको भी हम कमेंट में डाल देते हैं, ठीक। अब इससे देखिए फायदा, दिस इज क्लास ड्राइव। कौन सी क्लास? और देखिए ड्राइव क्लास, ठीक है। अब हम अपने मैन फंक्शंस के अंदर आए। किसके अंदर आए? मैन फंक्शंस के अंदर। तो मैन फंक्शन में पहले हमने डी का ऑब्जेक्ट बनाया, डिम मान लो बेस क्लास का, बी एस न्यू बी क्लास। और अगर हमने यहाँ पे किया बी डॉट गेट, यहां पे कर दिया कंसोल डॉट रीड की। क्या यूज कर दिया? रीड। अगर अभी हम इसको बी क्लास करेंगे, तो कौन सा मेथड कॉल होगा? हमारा बेस क्लास वाला मेथड कॉल होगा। देखिए इसको रन कराते हैं अपन।
ये देखिए बेस क्लास मेथड, अगर हमें ड्राइव क्लास का मेथड बनाना, क्या बनाना, ड्राइव क्लास का बनाना है, तो हमें यहाँ किस क्लास का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ड्राइव का। तो हमने ले लिया डिम, डी एस न्यू डी क्लास, और हमने यहाँ पे कर दिया डी डॉट गेट इन्फो। ठीक, अब देखिए दोनों को कॉल करेगा, दिस इज ए बेस क्लास, दिस इज ए ड्राइव क्लास। पर अगर हम चाहते हैं कि एक ही मेथड से दोनों कॉल हो, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और माई बेस कीवर्ड के यहाँ लगा रहने देते हैं। तो जैसे ही माई बेस गेट डाटा इन्फो करे, तो पहले माई डॉट गेट इन्फो, तो ये वाला मेथड आपका कॉल होगा, फिर दूसरा वाला। तो एक ही मेथड से, एक ही ऑब्जेक्ट से हम दोनों को कॉल कर सकते हैं। तो ऐसी जगह के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माई बेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया होगा। तो किसी मेथड्स की अगर हमें सेम सिग्नेचर रखना है, सेम प्रोटोटाइप रखना है, तो उसके लिए जो अपन यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, ओवरराइडेबल कीवर्ड यूज़ करते हैं, और उसको दूसरी क्लास के अंदर क्या करते हैं, इनहेरिट्स करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसी में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल क्लास। कौन सी क्लास है अपने पास, चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं अपन ओवरराइड्स का, फिर अपन आगे चलते हैं। पार्शियल क्लास एक एग्जाम्पल और देते हैं ओवरराइड्स का, इसको हटा देते हैं। एक ये एग्जाम्पल हो गया, एक और बताते हैं और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देते हैं। चलिए एक क्लास अपन लिया, क्लास का नाम लिया हमने ओवर, क्लास का नाम ओवर, पब्लिक सब पब्लिक ओवरराइडेबल, क्या सा कीवर्ड, ओवरराइडेबल फंक्शन, फंक्शन का नाम दे दिया हमने ऐड, क्या नाम दे दिया ऐड, और यहाँ पे हमने दो आर्गुमेंट पास किए, इंट एक्स एज इंटीगर वाई एज वाई एज इंटीगर। ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दिया रिटर्न रिटर्न एक्स प्लस वाई, क्या कर दिया एक्स प्लस वाई। क्लियर, और हमने इस एक मेथड भी इसके अंदर, एक फंक्शन भी हमने इसके अंदर दे दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन, इससे समझ में आ जाए कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, यहाँ दे दिया हमने फंक्शन इनसाइड बेस क्लास, यानी कि ये किसका है, बेस क्लास। क्लियर, चलिए अब हमने एक क्लास और ली ड्राइव ओवर नाम से, किस नाम से, क्लास टैग ओवर, और यहाँ पे इनहेरिट्स किया हमने ओवर क्लास, कौन सी क्लास। अब यहाँ पे हमें वही मेथड यूज करना है, जब वही मेथड यूज करना है तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, पब्लिक कौन सा, ओवर राइट नहीं, ओवर राइट्स, कौन सा मेथड, याद है। क्लियर, अब यहाँ पे एक्स बाई की वैल्यू ना पास करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पास करेंगे, जैसे हमने पास किया 100 और यहाँ पे मिल गया 200 और बाई को ब्रेक कर, ये हो गया। इसी तरह अब हमने यहाँ पे प्रिंट कराया क्या, कंसोल डॉट राइट, यहाँ पे हमने मेथड दे दिया क्या, फंक्शन दे दिया, फंक्शन इनसाइड इनसाइड ड्राइव क्लास, किसके ड्राइव क्लास, किसके अंदर ड्राइव क्लास, और यहाँ पे हमने कर दिया रिटर्न रिटर्न एक्स एक्स प्लस वाई, क्या कर दिया एक्स प्लस वाई, ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम मैन फंक्शंस के अंदर आए, किसके अंदर है, मैन फंक्शंस के अंदर, डिम ओ बी जे एज न्यू, ऑब्जेक्ट लिया अपन ने किसका, डेव ओवर
अब यहाँ पर हमने किया, अब इसको प्रिंट करा लिया, तो कंसोल डॉट राइट, इसी के अंदर हमने सीधे सीधे ओ बी जे डॉट मेथड कौन सा ऐड, इसके अंदर हमने वैल्यू पास की, तो वैल्यू पास की 10 और 100, तो हमको दो रिजल्ट मिलने चाहिए, कितने रिजल्ट मिलने चाहिए, दो, एक मिलेगा 100 इसका एडिशन और एक इसका, क्लियर। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करा देते हैं, कितना मिला आपने 220, कितना मिला 220, यहाँ पे आपको कितनी मिली 220, क्लियर 220, यानी ये वाला आपका कॉल होगा। अब इस वाले को आपको कॉल करना, किस वाले को कॉल करना, इस वाले, तो इस वाले को भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मेथड्स को, इसको, और अगर आप इसको यहाँ से कमेंट में डाल दें, क्या डाल दें, अब देखिए कौन सा कॉल होगा, ये देखिए ड्राइव क्लास वाला कॉल हो गया, ठीक है, क्लियर। इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, दोनों को रिजल्ट चाहिए आपको, तो कंसोल लगा सकते हैं यहाँ पे राइट, और यहाँ पे अब ये क्या करेगा, दोनों मेथड्स का आपको सम देगा, कितने मेथड का देगा, दोनों मेथड्स के 120, ये 120, तो बेस क्लास भी कॉल हो रही है और ड्राइव, तो इस तरीके से हम दोनों को कॉल कर सकते हैं, तो ये हमारा कहलाता है फंक्शन ओवर राइडिंग, क्या कहलाता है, फंक्शन ओवर राइडिंग, क्लियर। तो ये देखिए नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा प्रोग्राम आप लोग बना लीजिए इसको, ठीक है, चलिए। अब अपन देखते हैं पार्शियल क्लास, कौन सी क्लास देखते हैं, पार्शियल क्लास, मैं इसी में बार बार कर देता हूँ, बार बार लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं पार्शियल क्लास, कौन सी क्लास, तो पार्शियल क्लास अपने पास क्या होता है, एक ही नाम से हम मल्टीपल फिजिकल क्लासेस बना सकते हैं, तो ऐसे कामों के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, पार्शियल क्लास का यूज़ करते हैं, कौन सी क्लास का यूज़ करते हैं, यानी एक ही नाम से मल्टीपल क्लासेस अगर हमें क्रिएट करनी है तो हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, पार्शियल। तो देखिए पार्शियल क्लास कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो कीवर्ड यूज़ करेंगे पार्शियल क्लास, और क्लास का नाम जैसे हमने दे दिया क्लास यूज़र, किस नाम से दे दिया, यूज़र, क्लास का नाम दे दिया, क्लियर। अब जैसे हमने इसके अंदर एक मेथड बना लिया, तो पार्शियल मेथड भी अगर आपको चाहिए तो पार्शियल प्राइवेट सब, प्राइवेट सब हमने दे दिया यहाँ पे गेट यूज़र डिटेल, यूज़र डिटेल्स, और इसके अंदर हमने क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिया, एक्स एज स्ट्रिंग, क्या कर दिया, एस एक्स एज स्ट्रिंग, तो हमने इसके अंदर दे दिया, क्लियर। उसके बाद हम क्या किया, हमने ये बन गया मेथड्स, एक क्लास हमने और ले ली क्लास, तो अगर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, पब्लिक
यहाँ पे भी हमने कर दिया। यहाँ से हमने ठीक प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया। अब इसके अंदर हम एक डेफिनेशन देंगे। यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। क्या बना लिया? कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर बना लिया पब्लिक सब न्यू और इसके अंदर ए एस स्ट्रिंग बी एस स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारा क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्ट। उसके बाद हमने गेट यूजर इसके अंदर हमने ए कॉमा बी पास किया। उसके बाद इसके अंदर हमने इन दोनों वैल्यूओं को प्रिंट करें। क्या प्रिंट करें? कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पर हमने कर दिया नेम इक्वल टू इसमें क्या इंडेक्स पास करें 0 और यहाँ पे कर दिया एक्स। क्या कर दिया? इसी तरह हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर देखिए मेथड पास किया हुआ है। यहाँ पर हमने पास कर दिया लोकेशन और यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पे बाइक। देखिए क्लास एक ही है और एक ही क्लास के अंदर हमने मल्टीपल मतलब एक ही क्लास नाम एक ही रखा और एक ही नाम से हमने एक क्लास ये क्रिएट की और एक क्लास ये क्रिएट की। क्लियर? उसके बाद हम मैन क्लास के अंदर आए। किसके अंदर आए? मैन क्लास के अंदर। यहाँ पर हमने किया डिम यू एस न्यू यूजर। अब हम यहाँ से कर सकते हैं यू डॉट चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटराइज तो हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़े। जैसे हमने देखिए नाम दुष्यंत कॉमा क्लियर। अब हम यहाँ पे करेंगे यू डॉट कुछ नहीं करना अपन क्योंकि प्राइवेट बनाया तो ये हमको यहाँ पे मिलेगा नहीं। बस यहाँ पे क्या कर देना कुछ नहीं करना सीधे अब इसको रन करा दें। अब जैसे ही ये बनाया तो इसके अंदर हमने ये मेथड बनाया तो ये मेथड ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा कॉल हो जाएगा। आ गया। तो किसी भी एक नाम से अगर मल्टीपल क्लासेस हमें बनानी है तो हम वहाँ पर कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? पार्शियल कीवर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? पार्शियल कीवर्ड से हम मल्टीपल क्लासेस को यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कीवर्ड अपने पास है मस्ट इनहेरिटेंस। कौन सा कीवर्ड अपने पास? मस्ट इनहेरिटेंस। देखिए मस्ट इनहेरिटेंस का काम अपने पास क्या होता है? चलिए मस्ट इनहेरिटेंस देखते हैं। अगर किसी कीवर्ड के आगे आपने मस्ट इनहेरिटेंस लगा दिया इसका मतलब है कि उसे ओवरराइड करना ही करना है। इसको आप देखिए नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए करिएगा। चलिए अब इसी में हम बताते हैं मस्ट इनहेरिटेंस का एग्जांपल। किसका? मस्ट इनहेरिटेंस। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा मस्ट हमने लिखा क्लास क्लास का नाम लिख दिया हमने पेज। इसके अंदर एक मेथड बना लिया पब्लिक फंक्शन नंबर एस इंटीजर एस यहाँ पे कर दिया रिटर्न ये हो गया। ठीक है उसके बाद हमने क्लास ली क्लास का नाम टेक्स्ट पेज। क्या नाम दे दिया? टेक्स्ट पेज और यहाँ पे कर दिया इनहेरिट्स पेज। ठीक है इनहेरिट्स पेज। उसके बाद अपन इस मेन फंक्शंस के अंदर आए। छोटा सा एग्जांपल है डिम टी एच न्यू क्लास का नाम क्या है? टेक्स्ट पेज। इसको कॉल कर लिया कंसोल डॉट राइट लाइन
उसके अंदर हमने कर दिया टी डॉट नंबर। अब इस प्रॉपर्टी को कॉल किया, देखिए अभी हमें क्या रिटर्न करेगा, वन देगा, आंसर कितना दिया होगा। अगर हम इस कीवर्ड के आगे जैसे लगाते हैं मस्ट, मस्ट इनहेरिट, और इस क्लास को अगर इनहेरिट ना करें तो ये देखिए हमको एरर दे देगा। क्या दे देगा, एरर के लिए नॉट नंबर इज नॉट मेंबर ऑफ मॉड्यूल टैक्स नंबर की इनहेरिट्स किया, यानी इस क्लास का मतलब है इसे इनहेरिट करना ही करना है, अगर इनहेरिट नहीं करोगे तो एरर आएगी। तो अगर किसी ऐसे फोर्सफुली अगर आप किसी भी क्लास को इनहेरिट करना ही करना चाहते हो तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, मस्ट इनहेरिट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर हम यहीं पर कर दें नॉट हेरिटेबल, से हमने मस्ट इनहेरिट किया, यहीं पे अगर हम कर दें नॉट 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 इनहेरिटेबल, अगर हमने नॉट इनहेरिटेबल कर दिया तो इसका मतलब है कि आप इस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो दो कीवर्ड्स हैं, एक हमारे पास मस्ट इनहेरिट है और एक हमारे पास नॉट इनहेरिटेबल कीवर्ड्स है, इसका मतलब है कि आप इनको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये हमने आज आपको बताए, इनको आप लोग करेंगे और फिर अगर कोई रन करके पता है तो अब नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे सी शार्प, सी शार्प की प्रोग्रामिंग देखेंगे, सी शार्प के बाद एएसपी डॉट नेट स्टार्ट करेंगे। क्लियर, तो सी शार्प ही आप लोगों को सिखा देंगे, फिर एएसपी डॉट नेट की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग लगातार देखते रहिए और कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप हमको बताएंगे जरूर। थैंक यू।